हमें क्या कह रहा है, हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एक्वस सॉल्यूशन। हेनरी लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, जो गैस हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए, वो गैस उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। अब O2, N2 और हीलियम तो करेंगे नहीं, बट SO3 रिएक्ट कर जाएगा। SO3 एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर के साथ, H2SO4 दे देगा, और ये क्या है, हेनरी लॉ फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हेनरी लॉ के अंदर नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है।